नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भाग्य चक्र और आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। यहां भाग्य चक्र में हम बात करेंगे आपके सितारों की। इसके साथ ही आज का पांचांग क्या कहता है और साथ ही साथ हमारी जो ज्योतिष आचार्य हैं उनकी सलाह की। लेकिन इस बीच तो समय हो गया है आपसे इंट्रोडक्शन कराने का अपने मेहमान से। आपका बहुत स्वागत स्वागत है अंजू वत्स जी। अंजू जी वैदिक ज्योतिष आचार्य हैं और इस कार्यक्रम में सितारों के बारे में आपको तमाम जानकारियां देंगी। सितारों में हम आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले जानते हैं आज का पंचांग। जी आज का पंचांग 9 जनवरी 2019 दिन बुधवार, महीना पौष, विक्रम संवत 2075, ऋतु हेमंत, आयन उत्तरायण, तिथि तृतीया, पक्ष शुक्ल पक्ष, नक्षत्र घनिष्ठा, सूर्य धनु राशि में है, चंद्रमा मकर राशि में। आज 1:30 बजे तक रहेगा, उसके बाद कुंभ राशि में आ जाएगा। आज का राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। तो ये है आज का पांचांग। इसके हिसाब से अंजू वत्स जी बता रही हैं कि आज का जो राहु काल है वो दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है। रोजाना की तरह हम इस कार्यक्रम को लेकर आते हैं और बात करते हैं आपके सितारों की। आपके सितारे आज क्या कहते हैं, क्योंकि हर किसी को जानने की उत्सुकता होती है कि उसका दिन आज कैसा जाने वाला है और उस दिन को कैसे बेहतर और बनाया जाए। इसी के साथ राशियों में आगे बढ़ते हैं अंजू जी। हम सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि में आज क्या खास रहने वाला है? जी मेष राशि, आज आपके वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। आज आपकी सभी बाधाएं दूर होने से काम में गति आएगी। पुराने मित्रों से आज मुलाकात हो सकती है। आज की गई यात्राएं लाभकारी और सफल रहेंगी। व्यापार और नौकरी में स्थितियां सामान्य दिखाई देती हैं। आज कोई निवेश करने की सोच रहे हैं तो सोच समझकर ही करें। तो मेष राशि वालों के लिए अंजू वत्स जी बता रही हैं कि अगर आप निवेश करने वाले हैं या फिर इन्वेस्ट करने वाले हैं अपने किसी काम में, तो उसको करने से पहले आप सोच समझ लें, राय मशवरा करें, उसके बाद ही आप उस पैसे को या उस अमाउंट को इन्वेस्ट करें। तो आगे बढ़ते हैं राशियों में, वृषभ राशि में आते हैं। अंजू जी क्या कहती है आज वृषभ राशि? जी वृषभ राशि, आज आपकी पारिवारिक चिंताएं दूर होती दिखाई दे रही हैं। यात्रा के दौरान नए और महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें। आज आपके शत्रु आपसे दूर रहेंगे। आप नया वाहन लेने की योजना बना सकते हैं। कुल मिलाकर आज का दिन शुभ ही है आपके लिए। बिल्कुल, तो अंजू वत्सी बतानी है कि वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है और इसके साथ ही जो आपकी पारिवारिक समस्याएं हैं, पारिवारिक संकट हैं, वो आज दूर रहेंगे। आपका दिन बहुत शुभ रहेगा। राशियों में आगे बढ़ते हुए मिथुन राशि में आते हैं अंजू जी। मिथुन राशि वालों के लिए कैसा है आज का दिन? जी मिथुन राशि वालों के लिए आज व्यापारियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। कोई नई योजनाएं बनेंगी। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आएगी। आज मनोबल मजबूत रहेगा। अगर कोई स्थान परिवर्तन की सोच रहे हैं तो उसमें ज्यादा फायदा मिल सकता है। कला और साहित्य के क्षेत्र में रुझान बढ़ेगा आपका। बिल्कुल, तो कला और मिथुन राशि वालों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है, अच्छा जाने वाला है। खास करके अगर आप कोई योजना बना रहे हैं तो वो योजना भी आज बन सकती है। अच्छा संयोग है आपकी राशि में आज। और इसी के साथ कर्क राशि में आते हैं अंजू जी। कर्क राशि क्या कहती है? कर्क राशि, आज घर परिवार में हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा। आज आपको अपनी योग्यता साबित करने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। मेहनत और लगन से काम करने से कोई भी किसी उच्च पद पर प्राप्ति दिखाई देती है। अगर मेहनत करते हैं तो आप समय का सही से इस्तेमाल करें इसका। तो कर्क राशि वालों को समय का सही इस्तेमाल करना होगा और इसी के साथ ही अच्छा आपका दिन बता रही हैं अंजू जी। परिवार में हंसी खुशी रहेगी, माहौल काफी अच्छा रहेगा। आज का दिन आपका खुशमयी जाने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अंजू जी आज पूरा दिन? जी सिंह राशि, आज आप घर और बाहर की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभा पाएंगे। आर्थिक पक्ष आज मजबूत रहेगा। कोई रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है। व्यवसायिक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। छात्रों को अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं दिखाई देती हैं।
तो अच्छा योग है आपका भी, कर्क राशि वालों का भी, और काफी संयोग बता रही हैं अंजू जी की बन सकते हैं। इसी के साथ ही हम राशियों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों को जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके लिए ये जानकारी है कि आप अगर समस्याओं के समाधान चाहते हैं और आपके जो काम हैं वो बिगड़े हुए हैं, बन नहीं रहे हैं, आप कई बार उनको सुधारने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन नहीं सुधर रहे हैं, तो आप इसके लिए अंजू वत्स जी से संपर्क साध सकते हैं, उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। अंजू वत्स जी का ऑफिस फरीदाबाद के सेक्टर 49 और 19 में है। इसके साथ ही नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहे हैं, आप इन नंबरों पर कॉल करके उनसे बातचीत कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मिलने का समय भी निर्धारित कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो लोग दूर हैं, नहीं आ सकते हैं, जिनके लिए पॉसिबिलिटीज थोड़ी कम हो जाती हैं, वो मेल भी कर सकते हैं, मेल के जरिए भी संपर्क साध सकते हैं, और जितने भी आपके सवाल हैं वो आप अंजू वत्स के सामने रख सकते हैं। इसी के साथ हम राशियों में आगे बढ़ते हैं, कन्या राशि की हम बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है? जी कन्या राशि, आज किसी मित्र के सहयोग से काम बनेंगे, मानसिक तनाव और समस्याओं में कमी आएगी, आज की यात्रा लाभकारी रहेगी, वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। अगर कोई निवेश करने की सोच रहे हैं तो निवेश करना लाभदायक सिद्ध होगा, आज जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा। तो भाई कन्या राशि वालों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है, निवेश अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। इसके साथ ही जीवन साथी का पूरा सहयोग भी आपको मिलेगा, यानी कि अगर आप उस काम को करने जा रहे हैं तो आपकी जो जीवन साथी है या संगिनी है वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अकेले आप किसी काम को नहीं कर सकते, और खासकर अगर घर का ये मामला हो तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है अंजू जी? जी तुला राशि, आज अपने पैसों को लेकर किसी भी पर भरोसा ना करें, धोखा मिलने के योग बन रहे हैं, जीवन साथी के साथ अनबन हो सकती है, अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, सेहत के प्रति लापरवाही ना करें, वाहन लेने की योजना बना सकते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए भी अच्छा आज का दिन है, योग काफी बता रही हैं अंजू जी, जैसे बता रही हैं कि वाहन लेने का योग है, आप वाहन भी आज ले सकते हैं, लेकिन हाँ आपका जो पार्टनर है उसके साथ में आपकी थोड़ी सी अनबन रहेगी, लेकिन अनबन को कैसे ठीक करना है ये तो दोनों ही ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं, इसका उपाय आप ही को ज्यादा बेहतर होगा, बात को ना खींचे ज्यादा जैसा हम अमूमन देखते हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं राशियों में, वृश्चिक राशि की बात करते हैं अंजू जी, क्या कहती है वृश्चिक राशि आज? वृश्चिक राशि, आज पारिवारिक संबंधों में तनाव रह सकता है, कोई आपके साथ विश्वासघात भी कर सकता है, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, नए लोगों के साथ संपर्क बढ़ेंगे, वाहन चलाते समय सावधानी रखें, अगर कोई निवेश करना चाहते हैं तो उससे फायदा मिलेगा आपको। तो वृश्चिक राशि में भी कुछ इसी तरीके का है कि वैवाहिक संबंधों में थोड़ा सा आपका आज रह सकता है अनबन जैसा, और उसको सही करने के लिए आपको ही कोशिश करनी पड़ेगी, आर्थिक पक्ष हालांकि मजबूत आज आपका रहने वाला है वृश्चिक राशि वालों के लिए, लेकिन तमाम राशि वालों के लिए यही है कि अगर कोई भी परिस्थिति आई है उसको आपको उसका आपको सामना करना है, बशर्ते कि आप उस परिस्थिति से निपटने के बजाय थोड़ा सा पैनिक ना हो, मतलब थोड़ा सा घबराएं नहीं, उसको अच्छे से बैलेंस करें, थोड़ा बहुत आपको अपने से भी कोशिश करनी होती है। धनु राशि में बढ़ते हैं, धनु राशि क्या कहती है? जी धनु राशि, आज व्यर्थ के खर्चे बढ़ सकते हैं जो आपका बजट बिगाड़ सकता है, आज आपको दूसरों की सेवा और सत्कार का अवसर भी मिलेगा, दूसरों की मदद करने से मन प्रसन्न भी रहेगा, आज सोच समझ कर किया गया निवेश फायदा देगा, संतान की ओर से शुभ समाचार मिलने के योग हैं। बिल्कुल, तो धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है आज का दिन, संतान की तरफ से अंजू जी बता रही हैं कि शुभ समाचार मिलने के संकेत आज आपके हैं इसके साथ ही, लेकिन व्यर्थ में खर्च बढ़ सकता है, अब उस व्यर्थ खर्च को कैसे कंट्रोल करना है ये आपको पता है, व्यर्थ खर्च क्या होता है ये भी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उस खर्च को कैसे कंट्रोल में रखना है, तो थोड़ा सा उसको कंट्रोल में आप रखने की आज कोशिश करिएगा। मकर राशि की बात करें अंजू जी, मकर राशि क्या कहती है? जी मकर राशि, आपको नौकरी में पदोन्नति हो सकती है, मनचाही पोस्टिंग भी शायद मिल सकती है आज आपको, अविवाहितों को विवाह के प्रस्ताव भी मिलेंगे, मित्रों के साथ मनोरंजन करने का अवसर मिलेगा, काम में रुचि भी बढ़ेगी, कुल मिला के दिन बहुत अच्छा है आपका। बिल्कुल, यानी अंजू वत्स ने कह दिया कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा है,
तो फिर तो दिन बहुत अच्छा है मकर राशि वालों का। और जैसे कि घूमने फिरने का बता रही हैं अंजू जी कि मित्रों के साथ में आप चिल करेंगे, फ्रेंड्स के साथ में आज का दिन आपका बीतेगा काफी अच्छा। और इसी के साथ ही कुंभ राशि की बात कर लेते हैं अंजू जी, कुंभ राशि क्या कहती है आज? कुंभ राशि, आज आपको अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। पारिवारिक कार्यों में खर्च हो सकता है। माता पिता की सेवा करने से मानसिक सुख मिलेगा। भूमि भवन संबंधी कार्यों में कोई रुकावट आ सकती है, इसमें आप सावधानी रखें। खान पान पर नियंत्रण रखें, नहीं तो सेहत खराब होने के योग दिखाई देते हैं। तो कुंभ राशि वालों को खाने पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है, जो भी आपको मिले उसको खाएं ना, उससे थोड़ा सा परहेज करें, क्योंकि सेहत सबसे पहले होती है, सेहत का ध्यान सबसे पहले रखना चाहिए। अब एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को बता दूं, क्योंकि हमारे पास संजू जी समय इतना कम रहता है और जो लोग बाद में हम इस प्रोग्राम को देखते हैं तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी तो खोला था, अभी खत्म हो गया प्रोग्राम। तो इसलिए अपने दर्शकों को बार बार ये जानकारी हमारी तरफ से कि आप मिल सकते हैं अंजू जी से, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों पे कॉल करके आप अपॉइंटमेंट लेके कभी भी मुलाकात कर सकते हैं अपनी प्रोग्राम के बाद कॉल करें। बिल्कुल, प्रोग्राम के दौरान करेंगे तो अंजू जी तो यहीं बैठी हैं, आप बात किससे करेंगे जाहिर है, तो आप प्रोग्राम के बाद ही कॉल कीजिएगा और उनसे डिटेल में आप जो भी प्रॉब्लम है उसको शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम आते हैं मीन राशि में। अंजू जी, मीन राशि वालों के लिए कैसा आज का दिन है? जी मीन राशि, आज किसी से विवाद में ना करें, आज किसी वजह से मन में उदासी बनी रहेगी। महत्वपूर्ण कार्यों में रुकावट आ सकती है। संतान की तरफ से चिंता मुक्त, यानी चिंता खत्म हो जाएगी आपकी संतान की तरफ से। पति पत्नी के बीच प्रेम सौहार्द बना रहेगा। व्यापार अच्छा चलेगा। सेहत थोड़ी सी सामान्य रहेगी। वाणी का इस्तेमाल थोड़ा सोच समझ के करें आज। तो मीन राशि वालों के लिए अंजू जी कह रही हैं कि आपको सोच समझ कर बोलना है, सोच समझ कर किसी के साथ में बातचीत करनी है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर हुए तो अच्छे प्रगाढ़ संबंध भी खराब हो जाते हैं। एक जीवी है जो आपके बने काम भी बिगाड़ देती है और अच्छे काम बिगाड़ देती है, और उसके बाद फिर तो आपको पता ही है क्या होता है। इसी के साथ वक्त हो गया अंजू जी आज आपकी सलाह का हमारे दर्शकों के लिए, क्या है आज की सलाह? जी आज की सलाह में हम लाए हैं दक्षिणावर्ती शंख के बारे में कुछ जानकारी। दक्षिणावर्ती शंख की जो लक्ष्मी जी का दूसरा रूप है, दक्षिणावर्ती शंख एक दुर्लभ शंख है। शंख के कई प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रचलन में मुख्य रूप से दो प्रकार के शंख आते हैं, पहला वामवर्ती शंख और दूसरा दक्षिणावर्ती शंख। वामवर्ती शंख जो है पेट बाईं तरफ होता है, खुलता है, और दक्षिणावर्ती शंख का जो उसका भाग है या पेट है वो दक्षिण की तरफ खुलता है। इसको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दक्षिणावर्ती शंख को विशेष महत्व दिया गया है ज्योतिष में। इस तरह से प्राय सभी दक्षिणावर्ती शंख के मुख बंद किए हुए होते हैं। दक्षिणावर्ती शंख जो होते हैं वो बजते नहीं हैं, उनके मुख बंद होते हैं। यह शंख बजाया भी नहीं जाता है, सिर्फ पूजा के रूप में ही लिया जाता है। शास्त्रों में दक्षिणावर्ती शंख के कई लाभ बताए गए हैं। राज्य से सम्मान की प्राप्ति, जैसे लक्ष्मी वृद्धि के लिए, यश और कीर्ति में वृद्धि पाने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, बांझपन की मुक्ति के लिए, आयु में वृद्धि के लिए, शत्रु से भय है तो उसके लिए, दरिद्रता को दूर करने के लिए। अगर रोज दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर उसे घर में छिड़क दिया जाए तो वास्तु दोष दूर हो जाते हैं घर के। शंख को अगर पूरे विधि विधान के साथ लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर पर रखें तो घर में हर तरीके की परेशानियों से राहत मिलती है। दक्षिणावर्ती शंख को अगर तिजोरी में रखा जाए तो घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, वास्तु दोष भी दूर होता है। दक्षिणावर्ती शंख को अगर जहाँ भी रखा जाता है वहाँ धन की कोई कमी नहीं रहती। दक्षिणावर्ती शंख को अन्न का भंडार में रखा जाए तो अन्न धन की प्राप्ति होती है। और जिनके व्यवसाय ना चल रहे हों या व्यवसाय में रुकावट आ रही हो तो उनको दक्षिणावर्ती शंख विधि विधान से और पूजा करके अपनी तिजोरी या अपने जहाँ आप पैसे रखते हैं वहाँ रखिए। तो ये दक्षिणावर्ती शंख ऐसा है कि लक्ष्मी को अपने आप खींचता है, उसको अपने पास लक्ष्मी की खिंचाई खींचते हैं जैसे, और इस तरीके से लक्ष्मी और ब्रह्मा जी विष्णु जी सॉरी लक्ष्मी और विष्णु जी की प्राप्ति का इसमें होता है। इससे शुद्ध जल से सही से इसको
आप शुद्ध करें और इसमें अभिमंत्रित करें और इसको अपने घर में जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ इसकी स्थापना करें, तो पैसे की अभाव नहीं रहेगा। तो कुल मिला के जो आप शंख लेते हैं, अब हमें थोड़ा सा सोच विचार करके ही शंख लेना पड़ेगा। शंख कई प्रकार के होते हैं, पर एक दक्षिणावर्ती शंख है, इसको लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं। चलिए, ये बजता नहीं है, ये आगे से बजता नहीं, बंद होता है, इसको सिर्फ पूजा में ही इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, तो ये है आज की सलाह। आप शंख लेने जाएं तो आपको बता दिया है कि शंख लेना, किस तरीके से आपको शंख लेने हैं, और लक्ष्मी का कहते हैं कि लक्ष्मी को लक्ष्मी का प्रतीक प्रतीक माना जाता है शंख, और उसको रोकने का काम भी शंख करता है। लेकिन अब वक्त हो गया अंजू जी दर्शकों से विदा लेने का, फिर हम हाजिर होंगे इस कार्यक्रम को लेके। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए और इतनी अच्छी सलाह तमाम दर्शकों देने के लिए। फिर हाजिर होंगी मैं इसी कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।